साल की तरह इस साल भी भू बैकुंठ नगरी बद्री धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि अब तक भगवान बद्री विशाल जी के धाम में 19 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं और अभी भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हजारों की तादाद में देश और विदेश से तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। बद्री विशाल आने में बहुत आनंद है। आज के दिन में बहुत अच्छा मौसम भी है। बद्री विशाल आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी धरती हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी प्राकृतिक चीज है। आइए यहाँ पे बद्री विशाल का दर्शन करने के लिए, इधर घटाए यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज है, वातावरण। तो हम लोग मौजूद हैं भू बैकुंठ नगरी बद्री धाम, जिस बद्री धाम का कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। और बड़ी बात तो यह है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अब तक 19 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त कर दिए। और बड़ी बात तो यह भी है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में इस वक्त देश और विदेश के पहुंचे हुए तीर्थयात्री हजारों की तादाद में इस वक्त मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सामने की तस्वीरें में जरा कैमरा मैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम को कैमरा में कैद करने की कोशिश कर रही है। देख सकते हैं सुंदर सा जो नजारा है वो बैकुंठ नगरी बद्री धाम का नजारा है, जहां हर दिन हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से तीर्थयात्री यहां पर पहुंचते हैं। ये देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इस वक्त खबर फास्ट दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से भगवान बद्री विशाल जी का धाम की तस्वीरें हैं। ये देख सकते हैं चारों तरफ तीर्थयात्री इस वक्त यहां पर देखे जा सकते हैं। और सामने की अगर तस्वीरें मैं और दिखाना चाहूंगा, ये ऊपर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बादल छाया हुआ है, यहां पीछे नीलकंठ पर्वत कहा जाता है, जिस नीलकंठ पर्वत पर कई फीट बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते अब नारायण धाम में थोड़ी बहुत ठंड ने दस्तक दे दी है। ये पीछे की आप तस्वीरें मैं और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर हर साल पहुंचते हैं भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अपने व्यापार को लेकर के। तरह तरह के मालाएं यहाँ पर लोग यहाँ के स्थानीय लोग बेचते हैं तीर्थयात्रियों को लेकर, रंग बिरंगे माला देख सकते हैं सबके पास आप देख सकते हैं, क्योंकि भगवान बद्री विशाल धाम में तीर्थयात्री पहुंचने से कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलता है। सभी तीर्थयात्री से लेकर के स्थानीय लोगों में इस वक्त काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। कैमरामैन साथी रोहित रावत के साथ नवीन सिंह, बद्रीनाथ।